वंदे मातरम दोस्तों, आपने पुलिस वालों के लिए ये वाले वर्ड्स तो बहुत बार सुने होंगे, ठुल्ले हैं, मामा है, और ये वाली लाइन भी सुनी होगी कि हम आर्मी की रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं लेकिन पुलिस वालों से डरते नहीं है, हम शेर हैं। अरे वो शेर भाई, ये जो अपनी ड्यूटी करना छोड़ देना अगर, तो जो लाठियां आज ये खा रहे हैं ना, वो तुम्हें खानी पड़ेगी। आप लोग जिनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, वही लोग आपके लिए तलवार से कटते कटते बच रहे हैं, वही लोग आपके लिए लाठियां खा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो कि उनको बदनाम कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी फायरिंग करी है। एक भी इंसान अगर दिल्ली पुलिस की फायरिंग से मरा हो ना, तो मेरे को बता देना, एक भी प्रूफ ऐसा मिल जाए आपको तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। अरे भैया, पुलिस होती किस लिए है? पुलिस अगर हमारी रक्षा के लिए लाठी चार्ज नहीं करेगी तो क्या करेगी? अब सामने वाला बंदा बंदूक लेके आ रहा है, कभी तलवार लेके आ रहा है, पुलिस क्या करेगी? भैया आ जाओ, मार दो हमें। मेरा एक सवाल फार्मर्स और उनके सपोर्टर्स से भी है कि आखिर तुम्हारी लड़ाई है किससे, सरकार से या सरकार के बनाए गए नियमों से? क्योंकि सरकार से तो आपकी लड़ाई हो ही नहीं सकती। आपको अगर नियमों से दिक्कत है तो नियमों के खिलाफ बात करिए, लेकिन सरकार के खिलाफ बात करना? सरकार से तो आपको सब्सिडी मिलती है, इतनी सारी योजनाएं हैं जिनके तहत किसान काम करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि किसानों ने, या फिर जो भी वो लोग थे लाल किले पे, उन्होंने तिरंगे का अपमान नहीं किया। मेरी मेन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जितनी आप रिस्पेक्ट आर्मी की करते हो, उतनी ही रिस्पेक्ट आप दिल्ली पुलिस की करो। नहीं कर सकते रिस्पेक्ट तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनके खिलाफ फेक न्यूज मत स्प्रेड करो। आप बहुत सारे लोग फैला रहे थे कि गोली से मार दिया किसान को, नहीं भाई, आप रिपोर्ट्स देखो, उसका ट्रैक्टर पलटा इसलिए वो मरा। मैं किसी भी तरह की हिंसा को समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो किसानों की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर दिल्ली पुलिस के सामने कोई बंदूक लेके आएगा, तलवार लेके आएगा, लाठी चार्ज उनके ऊपर शुरू कर देगा, पत्थरबाजी कर देगा, आम लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, तो दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो उनको चुप कराए, शांत कराए और भगाए, चाहे उनको फिर लाठी चार्ज करनी पड़े या फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो आप उनको गलत मत ठहराइए, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो आप शायद जिंदा नहीं रहेंगे। इस वीडियो का बस एक ही मोटिव है कि आप पुलिस, खासकर दिल्ली पुलिस की भी इज्जत करो। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं जो उनकी राह देखते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पापा पुलिस में हैं, और उस दिन जिस दिन लाल किले पे हिंसा हुई, वो उस दिन घर लेट पहुंचे। सोचो उन पे क्या बीती होगी, जो जिसके पापा बस तलवारों से कटते कटते बचे हैं, जिनके पापा ने सर पे लाठियां खाई हैं, जो मरते मरते बचे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उन पे क्या बीती होगी, आपने कभी सोचा है? तो अगली बार अगर आप किसी पुलिस सोल्जर को देखते हो तो उनको सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।